बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ इरमनास, योर साइंस टीचर। सो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने किया था चैप्टर नंबर 2 काइंड ऑफ एनिमल्स की राइटिंग एंड वर्ड्स मीनिंग। अब आते हैं अगले सफ़े की जानिब। अगले सफ़े पर हमें क्या करना है, क्वेश्चन आंसर के लिए पेज मेंटेन करना है, क्वेश्चन आंसर की हेडिंग डालनी है, डेट शो करनी है और क्लास वर्क लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई इज़ अ पैरट ग्रीन, तोता हरे रंग का क्यों होता है। आंसर, द ग्रीन कलर हेल्प्स इट टू हाइड इन द ट्रीज। जो ग्रीन कलर होता है पैरट का, वो इसको ट्री में यानी दरख्तों के अंदर छुपने में मदद देता है। नंबर 2, वेयर डस अ क्रोकोडाइल लिव, क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ कहाँ रहता है। आंसर, अ क्रोकोडाइल लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। क्रोकोडाइल जो है वो दोनों जगहों पर रहता है, पानी के अंदर भी रहता है और ज़मीन पर भी रहता है। नंबर 3, विच इज़ द बिगेस्ट लिविंग बर्ड, विच इज़ द बिगेस्ट लिविंग बर्ड, सबसे बड़ा परिंदा कौन सा होता है, सबसे बड़ा परिंदा कौन सा होता है। आंसर है, एन ऑस्ट्रिच इज़ द बिगेस्ट लिविंग बर्ड। ऑस्ट्रिच जो है सबसे बड़ा परिंदा होता है, ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग जो होता है वो सबसे बड़ा परिंदा होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज अ कैटरपिलर ईट, कैटरपिलर जो है वो क्या खाता है। अ कैटरपिलर ईट्स लीव, कैटरपिलर जो है वो पत्ते खाता है। ठीक है, इसी तरह हमने फिर आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की जानिब। फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आपने पेज मेंटेन करना है, इसी तरह आप फिर अपने कलर से हेडिंग डालनी है फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1 है, अ फिश दैट लुक्स लाइक अ स्टार, जो फिश दिखने में स्टार की तरह होती है इसे क्या कहते हैं, स्टार फिश। नंबर 2, अ फिश दैट लुक्स लाइक जेली, जो फिश दिखने में जेली की तरह होती है इसे कौन सी फिश कहा जाता है, जेली फिश। नंबर 3, अ फिश दैट लुक्स लाइक अ हॉर्स, जो फिश दिखने में हॉर्स की तरह होती है इसे क्या कहा जाता है, सी हॉर्स। नंबर 4, एन एनिमल दैट लुक्स लाइक अ फ्लावर, एन एनिमल दैट लुक लाइक अ फ्लावर, वो कौन सा जानवर है और जो दिखने में फूल की तरह होता है। आंसर है, सी एनिमल। क्वेश्चन नंबर 4 है, फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 5 है, एन एनिमल्स दैट हैज़ 8 आर्म्स, वो कौन सा जानवर है जिसके 8 आर्म्स यानी 8 बाजू होते हैं उसे क्या कहा जाता है, ऑक्टोपस। सो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारी वीडियो कंप्लीट हुई। यहाँ तक बिल्कुल हमें अच्छे से सफाई के साथ काम करना है। फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आप इस तरह से कलर लाइन के लिए कलर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स के आप हेडिंग कलर से डालेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इस चैप्टर के आगे का काम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।